हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अ न्यू क्लास माय नेम इज़ नाहिद और आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम द ब्रुक जो कि क्लास ट्वेल्व के अल्टरनेटिव इंग्लिश में प्रिस्क्राइब है सो मैं बता दूं कि मैं ए जो हायर सेकेंडरी के जो क्लासेस हैं इंग्लिश के और अल्टरनेटिव इंग्लिश के वो मैं लेता हूँ यूट्यूब पर तो फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नोट्स के लिए या फिर किसी इंक्वायरी के लिए मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो इफ़ यू रिक्वायर नोट्स इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प या फिर कोई डाउट है तो इस नंबर पर मुझे हमेशा कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो दो आई प्रेफर टेक्स्ट करो एंड इफ इट इज़ नॉट सॉल्व देन वी कैन टॉक ओके लेट्स मूव एंड लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ दिस पोएम द ब्रुक का मतलब होता है स्ट्रीम मतलब पहाड़ी नदी ठीक है सो so, यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे इस कविता को पढ़ते हुए वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल द ब्यूटी ऑफ नेचर नेचर कैसे एक ब्यूटीफुल चीज़ है और नेचर में क्या ब्यूटी है स्ट्रीम में क्या ब्यूटी है हम वो से वो चीज़ों को समझेंगे एंड बहुत सारे नेचर के चीज़ों से स्ट्रीम हमको अवेयर uh, करवाएगा तो हम जानेंगे इनके बारे में सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस परसिस्टेंस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूटी क्यों हमें कॉन्टीन्यूटी करनी चाहिए क्यों हमें किसी चीज़ के पीछे जो है धरे रहना चाहिए ये चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे कि कॉन्टीन्यूटी से क्या मिलता है परसिस्टेंस से क्या मिलता है थर्डली हम लोग समझेंगे कि द सटल नेचर ऑफ़ लाइफ ज़िंदगी का जो नेचर होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम जम लेते हैं फिर हम मरते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इटर्नल होती हैं लाइक सम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ट्री हो गया ट्री बोल रहा हूँ जैसे कोई स्ट्रीम हो गया या फिर सी हो गया ओशन हो गया ये सब इटर्नली रहते हैं फोर्थली uh, हम लोग यहाँ पर जानेंगे एक्वायर करेंगे एक्चुअली एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि जिंदगी इंसान की जिंदगी कैसे मोर्टल है एंड व्हाट इज़ द ब्यूटी इन इट एंड व्हाट इज़ दैड पार्ट अबाउट इट एंड उसके बाद हम समझेंगे कि वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइफ एक जर्नी होती है एंड हाउ वी शुड लीड दैट एंड लास्टली विल बी विल कम टू अवेयरनेस अबाउट दी ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ जिंदगी में जो हर्डल्स आते हैं एंड हाउ टू बी रेडी टू फेस दम ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस कविता को पढ़ने के पीछे सो जब हम पढ़ेंगे वापस से इस पर आएँगे हम डिस्कस करेंगे डिड वी अचीव ऑल दीज पॉइंट्स और नॉट क्विकली हम लोग पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये जो कविता है ये लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक ब्रिटिश पोइट है ये जो द ब्रुक है ये एक्चुअली उनके मरने के छः साल पहले पब्लिश हुआ था एक ये जो पोएम है ये एक बैलेड है बैलेड मतलब लिरिकली लिखा गया एक कविता जो जो हमको एक कहानी बता रही है जो हमको एक स्टोरी नरेट कर रही है तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें जो स्टोरी है वो ब्रुप का स्टोरी है मतलब स्ट्रीम का स्टोरी है हम देखेंगे इसमें इसमें क्या है कि जो स्ट्रीम है वो एक लंबा रास्ता लेता है टू एक्चुअली कम एंड एन्जॉय विद अ लार्ज रिवर पहाड़ी नदी है जो अल्टीमेटली बहके जो है वो एक बड़े रिवर के साथ अल्टीमेटली आके मिलना चाहता है इस पोएम के अंदर ये एक स्वीट पोएम है इसके अंदर बहुत से डार्कर थीम्स भी हैं यू नो जो हम जानेंगे जैसे थीम्स जैसे डेथ के बारे में बहुत कुछ बोला गया है इंसान का ज़िंदगी किस तरह से टेम्प्ररी है इसके बारे में बोला गया है और नेचर कैसे इनडिफरेंट है इंसान के साथ एंड अदर चीज़ों के साथ इस चीज़ को भी इस कविता में बहुत अच्छे से जो है एम्फिसाइज किया गया है इस पोएम में हम लोग नेचर के ब्यूटी को भी देखेंगे जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मैंने डिस्कस किया था पहले वाले ऑब्जेक्टिव में कि टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर फिर जो पोएम है वो मोस्ट नोटेबल उसका जो कैरेक्टर या जो लाइन है इस कविता में जो एवरी वन फोस वो है फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर या स्ट्रीम कह रहा है परसोनीफाई किया गया है कुछ देर में बात करूँगा उसके बारे में कि इंसान जो है आते रहेंगे जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे पर मैं चलता रहूँगा इसका मतलब ब्रुक जो है जो नदी जो है वो अपने आप को इटर्नल बता रहा है कि वो जो है उसका अंत कभी नहीं होगा इंसान आ सकते हैं इंसान जा सकते हैं इंसान जन्म लेंगे मरेंगे लेकिन ये जो नॉन लिविंग चीज़ है ये जो कि ब्रुक है वो हमेशा चलता रहेगा ये जो लाइन है कविता में टोटल फोर टाइम्स रिपीट होता है थ्रू आउट द पोएम और जो है ये फ्लिटिंगनेस uh, बताता है ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब ह्यूमन लाइफ किस तरह से शॉर्ट है उस चीज़ को बताता है और नेचर जो है वो किस तरह से एक कॉन्स्टेंट चीज़ है इसका मतलब ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और नेचर जो है वो एक परमानेंट चीज़ है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन लाइफ नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे कविता के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बताएंगे इन जनरल थोड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देंगे कि ब्रुक जो है इसमें कवि ने जो है ब्रुक को पर्सोनिफाई किया है परसोनीफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग चीज़ को इंसान का कैरेक्टर दे देना ठीक है ह्यूमन कैरेक्टर दे देना उसी चीज़ को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं यहाँ पे जो है पूरा कहानी जो है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट हुआ है जो प्रनाउन में होता है ना फर्स्ट पर्सन आई वी इन सब में नरेट हुआ है ज़्यादातर ये आई में नरेट हुआ है और ये हमें एक स्टोरी बताता है किसकी स्टोरी बताता है ई टेल्स ऑज द स्टोरी ऑफ अ ब्रुक जो हाई माउंटेन से होके टफ़ टेरेन से होके वैली से होके फाइनली सारे हर्डल्स uh, को ओवरकम करते हुए अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है इसका मतलब रिवर से आके मिलता है वैली जो मतलब प्लेन एरिया में जो बड़ा रिवर है उसके साथ आके मिलता है अल्टीमेटली वो रिवर जाके समंदर से मिलता है ब्रुक जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर को नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है उसी के साथ ही साथ उसके परमानेंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि नेचर किस तरह से परमानेंट है वेन वी कंपेयर दैट विथ ह्यूमन बींग्स क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जिंदगी जो है वो टेम्पररी है वो इमपर्मानेंट है ह्यूमन बींग्स जो है वो जिंदा मतलब जन्म लेते हैं ऑन दिस अर्थ फिर वो ग्रो अप होते हैं बड़े होते हैं एंड देन इवेंचुअली दे डाई बट नेचर जो है वो कीप्स ऑन गोइंग एक ऐसे कह सकते हैं इटर्नल चीज़ है जो हमेशा से चलती रहती है बट ब्रुक गोज ऑन फॉर एवर ब्रुक मतलब यहाँ पे नदी जो हमेशा से चलते आ रही है इट फेसिस ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स बट गिव अप नहीं करता है बोल्डली फेस करता है और आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता रहता है और अपने गोल को हासिल करके ही रहता है अभी हम कविता पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो है क्रैश कोर्स चला रहा हूं अभी ईचर्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए होल कोर्स जो है अगर इंग्लिश के लिए लेना चाहते हो तो सिर्फ फाइव हंड्रेड पड़ेगा तीन महीने का कोर्स है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश लेते हो खाली एक सब्जेक्ट लेते हो तो फाइव हंड्रेड पड़ेगा दो सब्जेक्ट लेते हो तो एट पड़ेगा इसके लिए पहले दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर क्या मिलेंगे लाइव क्लासेस होते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं नोट्स सारे पी में मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये सारे चीज़ें मिल जाएंगे और मैं तो रहूँगा ही डाउट के लिए सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करो ओके नाउ लेट अस रीड द पोएम इस डिस्कशन के पहले मैं बता दूँ इस कविता को मैं चार पार्ट में डिवाइड किया हूँ सो लेटस्ट डिस्कस पार्ट वाइज कविता का नाम जैसे हमको ऑलरेडी पता है किसने लिखा है ये भी हमको पता है वेबसाइट का क्रेडिट दे दूँ मैं इस वेबसाइट से मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन को उठाया है ड्यू क्रेडिट देना चाहिए सो मैंने दिया ओके अस ट्राई स्टार्ट रीडिंग दी दी पोएम ठीक है पार्ट वन को पढ़ते हैं आई कम फ्रॉम हंस ऑफ कूट एंड हर्न आई मेक अ सर्डन शैली एंड स्पार्कल आउट एमोंग द फर्न टू बिक डाउन अ वै वैली सो यूसी पहले वाले में यहाँ पर ब्रुक बोल रहा है परसोनीफाई किया गया है इस चीज़ को मतलब ब्रुक खुद हमसे बात कर रहा है जैसे कि एक नॉन लिविंग चीज तो बात नहीं कर सकता है बट ब्रुक यहाँ पर हमसे बात कर रहा है बात करते हुए हमको क्या बोल रहा है कि वो कहाँ से आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेंग फ्रॉम वेयर डज ही ओरिजिनेट हर्नस ऑफ कूट एंड हर्न यहाँ पे हर्न का मतलब ए प्लेस वेयर एनिमल्स और बर्ड्स डेल उसको बोलते हैं तो यहाँ पर दो ऐसे एनिमल के बारे में बोला गया है एक तो एक बर्ड है जिसका नाम कूट है मतलब इट्स ए ब्लैक कलर्ड बर्ड काले कलर का पंक्षी रहता है एंड दूसरा जो है वो हैरन के बारे में बोला गया है ये भी एक लार्ज यूनो बर्ड है जिसका नेक बहुत लंबा होता है लेग्स भी इसके बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं सो ब्रूक से वहाँ से शुरू होता हूँ जहाँ पे कुट एंड हर्न जो हैं वो रहते हैं उनका डेलिंग प्लेस से मेरा बिगिनिंग होता है मतलब माउंटेन के एकदम ऊपरी हिस्सों से वो बिगिन करता है और उसके बाद वो क्या रहा है आई मेक अ सडन सैली और वहाँ से अचानक से जो है मैं शुरू हो जाता हूँ डिटर्मिन हो जाता हूँ इंटरेस्टेड हो जाता हूँ एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ और वहाँ से मैं आई मेक अ सडन सैली सैली का मेनिंग होता है कि डिटर्मिन होकर शुरू हो जाता है वो तो बोल रहा है कि वो वहाँ से बिलोंग करता है जहाँ पे कूट और हर्न पाए जाते हैं और फिर अचानक से वो डिटर्मिंड हो जाता है और नीचे की तरफ़ बहना शुरू कर दे कर देता है एंड स्पाकल आउट एमोंग द फ़र्न और फिर जो है वो शाइन स्पार्कल आउट यहाँ पे मतलब है शाइन करता है बहुत ब्राइटली फन uh, के बीच में से होके आता है फर्न क्या है एक प्लान है एक प्लांट है जो जिसके बहुत लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं सॉफ्ट होते हैं उसमें फूल पकड़ते हैं तो ये एक्चुअली एक वैली का एक प्लांट है तो वहाँ से ये शुरू होता है उनके बीच में से होके आता है एंड स्पार्कल आउट एमोंग द फंस और फंस के बीच में से वो चमकते हुए नीचे की तरफ आता है टू बिकर डाउन अ वैली तो बिकर डाउन अ वैली बिकर का यहाँ पे मतलब होता है नॉइज करना टू क्रिएट नॉइज़ बिल्कुल नॉइज करते हुए वैली के बीचों बीच में से जाता है तो पानी जब वैली किसे कहते हैं दोनों साइड में दोनों नॉर्थ एंड साउथ बैंक में जो हैं ओबियसली uh, लो, लोग रहते हैं सिविलाइजेशन है बीच में से वो बह के जाता है जैसे हमारा बराग वैली है ब्रह्मपुत्र वैली है तो बीच में से वो बह के जाता है तो साउंड करता है वाटर जब जाता है क्योंकि ये एक स्ट्रीम है ये पहाड़ी नदी है पहाड़ी नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है प्लेन के नदियों से तो वो जब जाता है तो उसका एक साउंड क्रिएट होता है वही चीज़ ये यहाँ पे नदी बोल रहा है अपने आप को पर्सोनीफाई करके कभी हमको बता रहे हैं फिर वो कह रहा है बाई थर्टी हिल्स आई हरी डाउन ये बता रहा है कि वो कितना दूर से आता है थर्टी हिल्स आई हरी डाउन इसका मतलब तीस हिल्स को क्रॉस करके वो नीचे की तरफ आता है तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करता है ब्रुक वो कह रहा है उसका जर्नी बता रहा है हमको और स्लिप बिटवीन द रिज़ और यहाँ पे रिजिस का मतलब होता है माउंटेन रिजिस माउंटेन रिजिस।, रिजिस के बीच में स्लिप करते करते सरक-सरक के वो आता है वो बता रहा है बाई ट्वेंटी टॉप्स अ लिटिल टाउन तो यहाँ पे टॉप्स का मतलब होता है कि छोटा विलेज कॉटेज यू नो तो बीस विलेजस वो क्रॉस करता है ये भी वो कह रहा है ये भैया बस ये बताना चाहता है कि कितना लंबा जर्नी करके वो आता है थर्टी हिल्स को क्रॉस करता है उसके बाद ऐसे बहुत से रिजिस को भी वो क्रॉस करता है माउंटेन रेंजेस को वो क्रॉस करता है और फिर जो है ऐसे बीस विलेज को क्रॉस करके एक लिटिल टाउन में आता है यू नो थ्रू अ लिटिल टाउन एन हाफ ए हंड्रेड ब्रिजेस और और भी बताया जा रहा है कि वो कितना है हाफ ए हंड्रेड ऑलमोस्ट फिफ्टी जो है ब्रिजेस क्रॉस करता है इतना क्रॉस करने के बाद जो है वो नीचे की तरफ आता है और उसके बाद टिल लास्ट बाय फ़िलिप्स फार्म यहाँ पे कभी ने एक इंसान के नाम को मेंशन किया है उसके फार्म को मेंशन किया है उसके इंडस्ट्री को मेंशन किया है उसके घर को मेंशन किया है तो बिल्कुल फ़िलिप के फार्म तक वो आता है आई फ्लो रिवर कह रहा है आई फ्लो मैं फिलिप के फार्म तक आता हूँ मतलब फ़िलिप के घर तक आता हूँ वहाँ आने के बाद क्या करता हूँ टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर ब्रीमिंग का मतलब होता है ओवर मैं इतना नीचे आता हूँ क्या करने आता हूँ ओवरफ्लोइंग जो रिवर है उससे मिलने आता हूँ और फिर कह रहा है ये जो लाइन चार बार रिपीट होगा पहले बता चुका हूँ फॉर मैन में कम मैन मे गो इंसान आते रहेंगे इंसान जाते रहेंगे बट आई गो ऑन फॉर फरेवर ठीक है वो अपना खुद का चलता रहेगा चलता रहेगा तो ये पार्ट वन था पार्ट वन में बेसिकली क्या कह रहा है बेसिकली ब्रुक कह रहा है कि वो कहाँ से शुरू करता है अपना जर्नी ठीक है फिर वो डिटर्मिन हो जाता है इस वाले लाइन पे कह रहा है डिटर्मिन हो जाता है डिटर्मिन होने के बाद जो है वो शाइन करता रहता है फन प्लांट्स के बीच में से और फिर नॉइज़ करते हुए वैली के बीच में से एकदम एकदम खुशी की शुरुआत से आता है बहते हुए थर्टी हिल्स क्रॉस करता है बहुत से माउंटेन ब्रिजेस क्रॉस करता है छोटे छोटे विलेजेस क्रॉस करता है एक टाउन क्रॉस करता है इस तरह से पचास ब्रिजेस को क्रॉस करता है फाइनली फ़िलिप के फार्म में आता है एकदम नीचे आता है आने के बाद वहाँ पे जो है ओवरफ्लोइंग रिवर से वो मिल जाता है क्योंकि इंसान मे कम एंड मे गो बट वो चलता रहेगा शायद एक लाइन यहाँ पर मिस हुआ है जो नीचे जाके बाद में कवर अप हो जाएगा ये जब मैं यहाँ पे टाइप करा था सो दस दैट लाइन माई डेफ स्लिप्ट एनी वेज पार्ट टू को देखते हैं पार्ट टू में क्या कह रहा है सो इन पार्ट नंबर टू वी कैन सी आई चैटर ओवर द स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रिबल्स ट्रेबल्स आई बबल इन टू द एडिंग बेज आई बेबल ऑन द पेबल्स सी चैटर मीन्स टू टॉक रैपिडली बहुत स्पीड में बात करना ऑन द स्टोनी वेज यहाँ पे चैटर को टॉक नहीं नॉइज बोला गया है व्हेन वी टॉक इन ए रैपिड मैनर तो जो साउंड आएगा उसको बोला गया है तो ब्रुक कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज मेक करता है जब वो स्टोनी वेज में से जाता है मतलब बहुत सारे स्टोन के ऊपर से जब वो बह के जाता है पहाड़ी नदी है जब बह के नीचे आता है किस तरह के साउंड्स वो क्रिएट करता है नीचे बोल रहा है इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रबल्स तो जो साउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प एंड हाई पिचड ट्यून्स क्रिएट करते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्यून्स क्रिएट करते हैं जो कि क्लियरली uh, सुनाई देगा जो भी पासर बाई होगा उस माउंटेन से आई बब इन टू द एडिंग बेज ना वैसे यहाँ पे बे का मतलब सी नहीं है यहाँ पे बे का मतलब पार्ट ऑफ द लेक है ओके पार्ट ऑफ द लेक है और uh, एडिंग जो है उसका मतलब होता है सर्कल बनाना इस तरह से सर्कल बनाना उसको एडिंग बेस कहते हैं तो वो बबल क्रिएट करता है बबल तो हमको पता ही है तो बबल क्रिएट करता है जब वो एडिंग बे के जाता है गुजरता है और फिर जब वो पेबल्स मतलब राउंड पत्थरों से टकराता है तो वो बैबलिंग साउंड क्रिएट करता है बैबलिंग मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ बात करते हैं तो जो साउंड आता है उसको बैबलिंग साउंड बोलते हैं तो वो जब राउंड पत्थरों से टकराता है तो वो बिल्कुल बच्चों के जैसा बैबलिंग साउंड क्रिएट करता है विथ मेनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट तो यहाँ पे ये यह बोल रहा है, विथ मेनी ए कर्व वो कह रहा है कि बहुत सारा कर्व्स लेता है इसका मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स वो लेता है माई बैंक्स आई फ्रेट तो यहाँ पे फ्रेड मतलब है कि नॉट टू बी नॉट एबल टू टेक रेस्ट रेस्ट नहीं ले पाता है वो तो कह रहा है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है कर्ब्स लेता है और उसे रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलता बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो तो वो बहुत सारे फील्ड को क्रॉस करता है और बहुत सारे अनकल्टिवेट फैलो का यहाँ पे मतलब है अनकल्टिवेट लैंड को भी वो क्रॉस करता है एंड मैनी अ फेरी फोर लैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो तो मेलो का यहाँ पे मतलब एक प्लांट और वीड भी एक प्लांट है वाइल्ड प्लांट है जो अन ग्रो करता है ठीक है ऐसे ही यू ही ग्रो करता है तो वो कह रहा है कि वो लंबे ऐसे फेरी लैंड के जैसे लंबे ज़मीन को क्रॉस करते हुए जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीड ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत सारे मेलो ग्रो करते हैं जो कि एक प्लांट है विथ स्टेम्स कवर्ड विथ स्मॉल हेयर्स एंड पिंक पर्पल व्हाइट फ्लावर्स होते हैं उसके तो वो करता है फिर वो नीचे कह रहा है आई चैटर चैटर एज आई फ्लो तो मैं शब्द करता रहता हूँ मैं नॉइज़ करता रहता हूँ जब मैं फ़्लो करता हूँ टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर बड़े रिवर से मिलने के लिए मैं साउंड करके खुशी में नीचे उतरता रहता हूँ फॉर मैन में कम मैन में गो इंसान आते रहेंगे इंसान जाते रहेंगे बट आई गो ऑन फॉर एवर मतलब इंसान का एंड है बट मेरा कोई एंड नहीं है मैं एंड लेस हूँ अब हम पार्ट थ्री को समझेंगे I wind about and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि कवि नहीं ब्रुक बोल रहा है कि I wind about in and out. मतलब मैं मूव करता रहता हूँ इन एंड आउट इन एंड आउट से यहाँ पे नदी के फ्लो को समझाया है जो कि लेफ्ट एंड राइट जाता रहता है सो so, जब वो इस तरह से मूव करता है वट डज ही कम अक्रॉस विथ हीयर ए ब्लॉजम सेलिंग तो कभी कभी जो है उसे उसके ऊपर उसे फूल मिल जाता है फ्लोटिंग करते हुए पानी के ऊपर जो ऑब्वियसली पहाड़ के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से जो पत्ते या फूल गिरते हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे एंड हीयर इन देयर अ लस्टी ट्राउट लस्टी ट्राउट एक हेल्थी फिश को कहते हैं एक तरह का मछली है फ्रेश वाटर फिश है तो यहाँ वहां उनको क्या देखने को मिल जाता है एक लस्टी ट्राउट देखने को भी मिल जाता है मतलब ब्रुक कह रहा है वो उसे देखने को मिलता है एंड हियर इन देयर ग्रेलिंग और यहाँ वहां उनको जो है एक ग्रेलिंग देखने को भी मिल जाता है जो कि और एक तरीके का फिश है एंड हियर इन देर अ फोमी अपॉन मी और फिर कह रहा है कि यहाँ वहाँ मेरे ऊपर जो है फोम के बबल क्रिएट हो जाते हैं मतलब पानी गिरने के वजह से पहले भी ऊपर में हमने डिस्कस किया था कि बबल क्रिएट हो जाते हैं आई ट्रेवल विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ मैं मूव करता रहता हूँ विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक वाटर ब्रेक का यहाँ पे मतलब है स्टॉपेज जहाँ पे जाके रुकना पड़ता होगा हो सकता है वहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े पत्थर हो तो बीच में वहाँ पे जो है पानी का फ्लो जो है वो रुक जाता होगा तो जब वहाँ पे रुक जाता है पानी और पानी के ऊपर जब जो है सन का जो है यू नो रे आके गिरता है तो वो सिल्वरी दिखता है तो कम्प्लीटली उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो सिल्वरी दिखता है एंड एबब द गोल्डन ग्रेवल और इवनिंग टाइम के ऊपर जब सनसेट होता है यू you नो know, जब सनसेट होता है उस वक्त जब रोशनी गिरती है तो बिल्कुल गोल्डन कलर का आ, हो जाता है उसका पानी वो ये बोल रहा है ब्रुक एंड ड्रो दैम ऑल अलॉन्ग एन आई फ्लो और इन सब को मैं मेरे साथ ले कर चलता हूँ और मैं फ़्लो करता रहता हूँ टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर मेरा अल्टीमेट गेम क्या है एम क्या है जो ओवरफ्लोइंग रिवर जो है ओवर फ्लोइंग रिवर जो है उसे जॉइन करना मेरा जो है अल्टीमेट एम है क्योंकि फॉर मैन मे कम मैन मे गो इंसान जो है वो टेम्पररी हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे बट आई गो ऑन फॉर एवर लेकिन मैं जो है एनलेस तरीके से चलता रहता हूँ ये ब्रुक बोल रहा है नाउ वी शिल गो एंड अंडरस्टैंड पार्ट फोर आई स्टिल बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स यहाँ पे ब्रुक बोल रहा है कि आई स्टिल बाई लॉन्स लॉन्स मतलब लंबा ग्रासी लैंड उसको लॉन बोलते हैं तो वहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा स्टील बाई का मतलब है बिना साउंड किए चुपके से बह के जाता है दैट मीन्स वन ही क्रॉसेज द लॉन्स वो वाला जगह जो है लिटल बिट फ्लैट रहता है उसकी वजह से पानी का जो बहाव की वजह से जो साउंड क्रिएट होता है वो बहुत कम होता है एंड देन ही क्रॉसेज ग्रासी प्लॉट्स और ऐसे प्लॉट्स ऐसे लैंड्स के ऊपर से भी वो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रासी है फील्ड विथ ग्रास है आई स्लाइड बाई हैज़ल कवर्स और हैज़ल यहाँ पर एक फ्रूट ट्री को बोला गया है तो उस ये ये भी बता रहा है कि वो बहुत से हैज़ल फ्रूट के बीचों बीच में से होके भी बहता है सो इट्स जस्ट गिविंग यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर हीयर आई मूव द स्वीट फगेट मी नाट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स फगेट मी नाट एक तरह का प्लान्ट तो इस जब हम चलते हैं तो ये हमारे जो है कपड़ों में चुभ जाता है सो so, इसको जो है कवि ने यहाँ पे लवर्स के साथ कंपेयर किया है विच मीन्स वंस यू लव एनी थिंग यू डोंट फगेट दैट लव तो मी नोट्स कुछ उस तरह से हैं हमारा हमारे साथ हमेशा से रहते हैं अनकंडीशनल तरीके से रहते हैं तो वगैरह है कि वो जो है फगेट मी नोट्स जहाँ पे ग्रो होते हैं उस इलाके में से भी क्रॉस करता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लवर्स के लिए ग्रो होते हैं इनको लवर्स के साथ कंपेयर किया गया है बिकॉज मी नॉट्स जो हैं वो एक साथ चिपके हुए रहते हैं और कोई भी अगर उनके बीच में से जाएगा तो वो मतलब यूजुअली वो कपड़ों में चिपक जाते हैं तो इस बॉन्ड को क्रिएट बॉन्ड को जो है एक्सप्लेन किया गया है आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लू माई ग्लैंड एमोंग माई स्किमिंग स्वालोस I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. So यहाँ पे ब्रुक क्या कह रहा है कि वो स्लिप करके चलता है कहीं कहीं जगह पे किसी किसी जगह पर किसी किसी जगह पर वो स्लाइड भी करता है और किसी किसी जगह पर आई ग्लूम का यहाँ पे मतलब है डार्कनेस से होके भी गुजरता है मतलब वहाँ पे इनफ लाइट नहीं होता है एंड इन प्लेस प्लेसेस जो है आई ग्लैंस ग्लैंस का मतलब होता है टू हैव ए क्विक लुक एट समथिंग तो वो किसी किसी जगह पर देख के भी गुजरता है हालांकि इसको पर्सोनीफाई किया गया है एक नदी देख नहीं सकता है कभी जो है हमसे नदी का होकर बात करवा रहे हैं एमोंग माई स्किमिंग स्वालोस तो वो किन चीज़ों के बीच में से गुजरता है वो तो उसने बोला कैसे कैसे गुजरता है और स्वालो एक तरह का क्या होता है पंक्षी होता है बर्ड होता है तो उड़ते हुए पंक्षियों के बीच में से भी वो जाता है जहाँ पे स्वालो पंक्षी स्वालो यूजुअली जो है वो एक माइग्रेटरी एक, बर्ड uh, है तो उनके बीच में से भी ब्रुक मतलब गुजरता है आई मेक द नेटेड सनबीम बीम डैंस अगेंस्ट माई सैंडी शेलोज तो सैंडी शेलो बोले तो शेलो यहाँ पे वाटर को समझाया गया है और शेलो इसलिए बोला गया है कि जो जिसमें डेप्थ कम है और सैंडी इसलिए बोला गया है बिकॉज उस नदी का जो बॉटम है दैट्स फिल्ड विथ सैंड इसलिए उस उस बॉटम को जो है सैंडी शेलो बोला गया है तो so ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई मेक द नेटेड सन बीम डैंस नेटेड सन बीम का मतलब है कि जो एंटायर जितने भी ट्रीज रहते हैं फॉरेस्ट में उसके बीच में से जो है सन रेस आके पानी के ऊपर पड़ता है तो पूरा पड़ नहीं पाता है बिकॉज़ कुछ हद तक सन रेस जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से बूंद बूंद तरीके से ड्रॉपलेट्स की तरह जो है वो गिरते हैं और जब पत्ते मूव होते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य की जो किरने हैं दे आर है डांसिंग तो so इसीलिए इसको बोला गया है कि नेटेड से लगता है नेट के जैसा लगता है एंड दे सीम लाइक डांसिंग तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मैं जो है सनरेज को डांस करवाता हूँ आई मेक द सनरेज डांस ओवर माई सैंडी शेलोस तो मेरे सैंड के बने हुए बॉटम के ऊपर इसका मतलब पानी के ऊपर ये पूरा जो है फीचर देखने को मिलता है वो बोल रहा है आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स इन ब्रैमली विल्डनेसिस सो यू सी यहाँ पे वो कह रहा वगैरह आई मरमर मरमर मतलब टू मेक लाइक like लिटिल नॉइज बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लो साउंड क्रिएट करने को मरमरिंग कहते हैं चुपके से बात करना विस्परिंग इज ऑल्सो नोन इज मरमरिंग तो रात जब हो जाता है तो उसका साउंड जो है वो दिन की तरह शार्प नहीं रहता थोड़ा बहुत मरमरिंग से साउंड हो जाता है अंडर द मून जब रात होती है तो वो मरमर करता है मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टोन प्रोड्यूस करता है क्योंकि पानी का बहाव जो है थोड़ा बहुत जो है सॉफ्ट सा हो जाता है बिकॉज जंगल में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग बिकम्स साइलेंट एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डनेसिस और जो है अंडर द मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डनस कहाँ पे ये होता है ब्रैम्बली का मतलब यहाँ पे है कि वाइल्ड बुशेस जंगल को समझाया गया है इन जनरल एंड विल्डनेसिस का मतलब होता है कि एक बहुत ही लंबा पीस ऑफ लैंड जो अनयूज है मतलब जो किसी मतलब इट इट हैज़ नो पर्पज़ ऐसे ही ज़मीन पड़ा हुआ है किसी का भी नहीं है बस ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वहाँ से जब रात होती है तो वो गुजरता है ब्रैम्बली विल्डनेसिस से होके वो गुजरता है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कम साउंड करता है लो साउंड क्रिएट करता है जब वहाँ से होके जाता है आई लिंगर माई शिंगली बार्स लिंगर मतलब किसी एक जगह में रिल्कटेंट होना मतलब विलिंगली देरी करना ठीक है चाह के मन मर्जी से देरी करना तो अब वो रहा है कि कहाँ पर देरी लगाता है कहाँ पे जाके उसको थोड़ा जो है आलसपन आ जाता है जब वो शिंगली माय शिंगली बार्स शिंगली का मतलब यहाँ पे होता है रॉक्स फुल ऑफ पेबल्स पत्थर जो है रॉक्स रहते हैं उसमें बहुत से पत्थर रहते हैं और बार का यहाँ पे मतलब होता है कि जो भी रास्ते में जो हर्डल्स आते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता हैं कहने का मतलब ये कि जहाँ पे उबड़ खाबड़ है थोड़ा रगड है इस तरह से सरफेस है जहाँ पर रॉक रखे हुए हैं छोटे छोटे पत्थर हैं तो वहाँ पे वो लिंगर कहता है वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे रोक देते हैं ये लोग वो कह रहा है कि मैं वहाँ थोड़ा मन चाह करके वहाँ मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ मैं थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा टाइम लगा के क्रॉस करता हूँ जबकि ओरिजिनली क्या होता है कि उसको रोका जाता है दीज आर द ऑब्सटकल्स इन हिज वे बट वो इसको इस तरह से नहीं ले रहा उसका एटीट्यूड अलग है आई लोइर अराउंड माई कैरसिस सो कैरसिस एक तरह का प्लांट ही है यूजली पीपल में एक सैलड आउट ऑफिट तो वहाँ पर वो लॉइटर करता है लॉइटर करने का मतलब होता है एम लेसली घूमना कोई पर्पस ना होना बिल्कुल ऐसे ही घूमना तो कैरस के सामने या आजू बाजू में घूमते हुए वो गुजरता है वो भी कह रहा है वो एंड आउट अगेन आई करव इन फ्लोअ फिर अचानक से मोटिवेटेड हो जाता है वो टर्न ले लेता है एंड वो फ़्लो करना शुरू करता है क्या करने के लिए टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर वही ओवर फ्लोइंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए जो उसका अल्टीमेट मकसद है क्यों बिकॉज फॉर मैन मे कम ये चौथी बार ये लाइन यूज़ हो रहा है एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर क्योंकि इंसान जो है वो लिमिटेड है परमानेंट नहीं है वो बट वो जो है वो परमानेंट है इंसान आते रहेंगे जाते रहेंगे बट वो जो है उसको हमेशा चलना चलना पड़ेगा उसका जो जर्नी है इट्स इट्स ए नेवर एंडिंग जर्नी वो चलता रहेगा सो so, इसके साथ ही कविता जो है ख़त्म हो जाती है तो अगर हम जाके अभी हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो वी विल सी कि हमने सारे ऑलमोस्ट सारे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने कवर किया है यहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्टिव में नेचर क्या चीज़ है वॉट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर इस चीज़ को हमने समझा लिटरेरी डिवाइसिस में यहाँ पर हमने जो है परसोनीफिकेसन को देखा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में पूरा जो ये कविता लिखा गया है और जो ब्रुक जो है जो रिवर है उसको जो है परसोनीफाई किया गया है पूरे इस कविता में उसके बाद हमने यहाँ पे जो है जो इंसान का जो ज़िंदगी होता है वो किस तरह से परमानेंट नहीं है इस चीज़ को हमें समझा कि दैट वी लिव हियर फॉर ऑन द टेम्प्ररी बेसिस और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं लाइक सी एंड रिवर एंड एंड स्ट्रीम वो सारे जो हैं दे लिव लॉन्गर दे लिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन प्लानट अर्थ दैन आज तो ये भी इसमें हमें ये भी मॉटेलिटी जो चीज़ है इसको भी समझ में आया कि इंसान का ज़िंदगी किस तरह से मॉटल है एंड uh, और भी चीज़ें यहाँ पर इस कविता में है जैसे हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स वो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है यू कैन रिवर्स वैकेंसी कि इन लाइफ यू यू मे हैव मैनी हर्डल्स बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू यूज़ टू रिमेंबर द अल्टीमेट एम जिस तरह से ब्रू को अपना अल्टीमेट एम को रिमेंबर मन मन में रखता है याद रखता है जैसे उसको अल्टीमेटली जाके बड़े नदी के साथ मिलना है और वह बड़े नदी अल्टीमेटली जाके ओशन के साथ मिलेगा तो वो उसका मेन एम है बट रास्ते में बहुत से उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं ऑब्स्टिकल्स आते हैं बट रुकना नहीं है यू मस्ट यू जस्ट कीप यू नीड टू कीप गोइंग कीप मूविंग फॉरवर्ड यही इसका अल्टीमेट जो है मकसद है तो इस कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आए तो उसको रिवर्स करके दो तीन बार सुनने से क्लियर हो जाएगा वर्ड मीनिंग्स को देखने से क्लियर हो जाएगा ओके बाय बाय